फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। सभी कंपनियों में लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। एक कंपनी से खुशखबरी आई, आज रिलायंस इंफ्रा के अंदर सर्किट खुल गया और साथ में अपर सर्किट भी लग गया, परंतु दूसरी कंपनियों में अभी भी लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि पहले जब मौका था तो उस समय लोगों ने यह सोचा कि इसमें अपर सर्किट का दौर और लंबा चलेगा, इस वजह से काफ़ी लोग निकल नहीं पाए। जबकि मैंने पहले ही आपको वार्न करना शुरू कर दिया था कि बहुत जल्द इसमें लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा और आप प्रॉफिट अगर बुक कर लेते उस समय तो फिर से आपको निचले लेवल से एंट्री करने को मौका मिल जाता। जिसने भी किया होगा उनको अब मौका मिल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोअर सर्किट का दौर कब तक चलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से शेयर में कब से इसमें लोअर सर्किट हट सकता है। तो हर कंपनी के अंदर अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पे लोअर सर्किट खुलने की संभावना अलग अलग है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिनमें अभी और लंबे दौर तक लोअर सर्किट चलेगा और कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनमें अब बहुत जल्द लोअर सर्किट खुल सकता है। तो वो क्या संभावना है और क्या उस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस लोअर सर्किट का फ़ायदा उठा के इसमें और निवेश करना चाहिए, क्या भविष्य बनता है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का, क्या ये एक हवा हवाई है या फिर सिर्फ एक ऑपरेटर का गेम है, एक बार प्राइस बढ़ाओ फिर उसको गिरा दो और उसमें रिटेल निवेशकों को फंसा दो, तो रियल में क्या पिक्चर है, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और दूसरी जो रिलायंस ग्रुप की जो कंपनियां उनको रेगुलरली इनके ऊपर वीडियो बनाते आ रहा हूँ काफ़ी महीनों से। और मैंने आपको लगातार बोला है कि इनमें से जो दो कंपनियां हैं वही आप निवेश के लिए अच्छी है। लगातार मैंने बताया रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो कंपनियां जिनमें निवेश बनाए रखें यही आगे दौड़ने वाली है। बाकी कंपनियों में निवेश आप दूसरी कंपनियों में शिफ्ट कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोअर सर्किट का दौर तो सब में चल रहा है लेकिन रिलायंस इंफ्रा से लोअर का सर्किट का दौर हट गया, तो अभी आगे क्या संभावना बन रही है। तो एक एक शेयर को हम डिस्कस करेंगे और उनमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है अलग अलग कंपनियों की। तो सबसे पहले हम रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज 4.25 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया, लगातार लोअर सर्किट लग रहे, स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 245% का शानदार रिटर्न अभी तक दिया है, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा, परंतु ऊपर के लेवल से 17.49% ये वापस गिर चुका है। लेकिन फिर भी अभी महीने के हिसाब से 84.78% का पॉजिटिव रिटर्न अपने को मिल रहा है, अभी भी पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो आगे अब क्या संभावना बनी स्टॉक की, तो इसके लिए हम एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी वॉल्यूम कम हुआ। फिर फ्राइडे को उसका वॉल्यूम हो चुका था 5 करोड़ का, यानी लगातार वॉल्यूम में गिरावट आ रही थी। लेकिन आज फिर से वॉल्यूम 8 करोड़ हो चुका है, यानी वॉल्यूम में शानदार बढ़ोतरी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से अब बहुत जल्द लोअर सर्किट का दौर खत्म हो सकता है, सर्किट गिरने की, ये लोअर सर्किट अब खत्म होने की तैयारी हो रही है क्योंकि वॉल्यूम में बढ़ोतरी होने लगी है, एक्टिविटी इसमें बढ़ चुकी है। तो बहुत जल्द आपको इसमें से लोअर सर्किट का दौर खत्म होते ही आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर ले। भले ही एक बार लोअर सर्किट का दौर खुलेगा तो फिर इसमें थोड़ी सी तेज़ी बनेगी, लेकिन फिर भी मेरी जो राय है वो पुरानी वाली है, आपको इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और अपना निवेश आप रिलायंस पावर में लगाए। एक बार हम रिलायंस पावर की तरफ चलेंगे तो आज 14.30 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया रिलायंस पावर में भी। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने बहुत ही शानदार 503% का शानदार रिटर्न दिया है और ऊपर के लेवल से करीब 21.13% वापस डाउन हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी 73.33% का पॉजिटिव रिटर्न महीने के हिसाब से इसमें मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी इसने तेज़ी बताई है, ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा है। अब इसके वॉल्यूम को एक बार एनालिस करेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को वॉल्यूम काफ़ी गिर गया यानी 64 लाख का हो गया था, लेकिन आज फिर से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई यानी 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लोअर सर्किट का दौर बहुत जल्द खुलने वाला है, आने वाले 2 से 3-4 दिन के अंदर आपको इसमें लोअर सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी सर्किट में संभावना बन गई है, आरकॉम में भी आपको बहुत जल्द सर्किट खुलते हुए दिखाई देगा और रिलायंस पावर के अंदर भी सर्किट खुलते हुए दिखाई देगा। अब चलते हैं हम रिलायंस कैपिटल की तरफ, तो आज 25.65 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 265% एक साल में इसने शानदार रिटर्न दे दिया है और 15.65% ऊपर से नीचे वापस आ चुका है गिरकर।
लेकिन अभी भी इसमें 92.13% का शानदार रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत अच्छी अभी भी तेजी बनी हुई है इसमें, लेकिन स्टॉक लगातार गिर रहा है। एक बार इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करते तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 95 लाख का वॉल्यूम था, कल वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त गिर चुका था यानी 6 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज फिर से 1 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, मतलब बहुत जल्द यहां से अब इसमें सर्किट खुलने की संभावना बन चुकी है। हो सकता है 1 या 2 सेशन के बाद में ही इसमें सर्किट खुल जाए, बिल्कुल ये सर्किट खुलने के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसमें से भी आपको एग्जिट हो जाना है और अपना निवेश रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर में शिफ्ट करना है। अब चलते हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आज 87.35 पर 5% का अपर सर्किट लग गया, इस स्टॉक के अंदर सर्किट अपर लग, इसमें अपर सर्किट लग गया, तो ये अपर सर्किट इसमें क्यों लगा इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पिछले एक साल में इसने 355% का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन ऊपरी लेवल से ये 19.72% गिर चुका है, और महीने के हिसाब से देखें तो इसमें 35.22% का ही पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, बाकी दूसरी कंपनी से काफ़ी कम पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि सबसे पहले इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया था, यह स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। जो दूसरी कंपनियां जहां पे 80 से लेकर 90% का रिटर्न मिल रहा है, वहां पे इसमें सिर्फ 35% का ही रिटर्न मिल रहा है, तो ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका था, इस वजह से इसमें सबसे पहले अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है और इसमें करेक्शन का दौर पूरा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी पहले करेक्ट हो चुका है और इस वजह से यहां पे अपर सर्किट का दौर फिर से शुरू हो चुका है। एक बार इसके वॉल्यूम को भी एनालिसिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 42 लाख का वॉल्यूम था, शुक्रवार को बहुत ही कम 7 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई यानी 60 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो स्टॉक बिल्कुल अपर सर्किट में जाने के लिए ये तैयार है, ये स्टॉक आगे थोड़ा जा सकता है और इसमें बिल्कुल निवेश करने का मौका है। आपको मौका मिले तो फिर से अगर सर्किट खुले तो इसमें निवेश कीजिए, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऊपरी लेवल से। तो अब चलते हैं हम रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ। तो 5.75 पर 5% का लोअर सर्किट लगा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 340% का शानदार रिटर्न दिया है और 10% लेवल से ये गिर चुका है, और एक महीने के हिसाब से इसमें 105% का जबरदस्त रिटर्न लोगों को मिल चुका है। अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न के माहौल में है और यहाँ से जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 62 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 56 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को इसका 52 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज इसका वॉल्यूम बहुत ही कम यानी 35 लाख हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी भी सर्किट जो है लोअर सर्किट का दौर लंबा चलेगा, यह स्टॉक अभी भी खुलने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। महीने के हिसाब से करीब 105% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि रिलायंस होम फाइनेंस इसमें अभी और लोअर सर्किट लगेगा। वैसे आपको पता होगा सबसे लास्ट में ही इसके ऊपर लोअर सर्किट लगा था, जब सारे शेयरों में लोअर सर्किट लग चुका था उस समय भी रिलायंस होम फाइनेंस में अपर सर्किट था, तो ये अब जो लोअर सर्किट का दौर है इसमें लंबा चलेगा, इसमें थोड़ा आपको रुकना होगा, वेट करना होगा। चलते हैं हम रिलायंस नेवल की तरफ। तो रिलायंस नेवल पर भी 5.75 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 255% रिटर्न एक साल के हिसाब से मिल चुका है, लेकिन 16.92% ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है और महीने के हिसाब से अभी 74.24% का पॉजिटिव रिटर्न अभी भी मिल रहा है। तो इसको एक बार हम इसके वॉल्यूम को इसको भी एनालिस कर लेते हैं। तो पिछले एक महीने पहले इसका 44 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 51 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को काफ़ी वॉल्यूम कम हो गया था यानी 11 लाख का वॉल्यूम, आज 13 लाख का वॉल्यूम है, तो एक जैसा ही वॉल्यूम है, अभी बड़ी बढ़ोतरी नहीं है और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कि इसमें भी अभी लोअर सर्किट का दौर जारी रहेगा, थोड़ा सा सर्किट चलेगा। तो ओवरऑल सारे शेयरों को जांचने के बाद ये समझ में आ रही है बात कि बहुत जल्द आपको रिलायंस पावर के अंदर और रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर और रिलायंस कैपिटल में सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद में इनमें सर्किट खुल जाएंगे और कारोबार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि आपको कौन सी कंपनी में बनाए रहना है। तो सिर्फ 2 ही कंपनियां जिनमें आपको बने रहना है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनियां बहुत आगे जाने वाली है क्योंकि अनिल अंबानी ने अब ठान लिया है इन कंपनियों को आगे लेके जाने के लिए, और अभी ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे स्टॉक, छोटे पैनी स्टॉक बने हुए, लेकिन कंपनियों का कारोबार और जो कंपनियों की जो बैकग्राउंड देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक आगे जा सकते हैं। आने वाले समय में रिलायंस पावर भी आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और रिलायंस कैपिटल तो ऑलरेडी पहले से 3 डिजिट में जाके आए, लेकिन ये बहुत अच्छा दौड़ेगा। यहाँ से अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही बम्पर रिटर्न मिल सकता है। इन दोनों कंपनियों में निवेश बनाए रखें, बाकी कंपनियों से आप एग्जिट हो जाए
और एक बात का ध्यान रखें, अनिल अंबानी ग्रुप के साथ में एक बार धोखा हो चुका है तो फिर से आप थोड़ी अपने हिसाब से थोड़े सावधानी के साथ में ही निवेश करें और बहुत कम मात्रा में करें, क्योंकि वैसे भी बाजार में करेक्शन का दौर आने वाला है, तो अगर बड़ा करेक्शन आएगा तो वापस शेयर नीचे जा सकते हैं और ये अपर लोअर सर्किट का दौर तो लगातार चलता है, तो आप अपने हिसाब से देख के ही निर्णय करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।